आई एम विवेक सिंघल फ्रॉम ट्रेडिंग विद विवेक डॉट कॉम और आज हम डिस्कस करने वाले हैं महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस लिमिटेड को। और ऑफकोर्स आगे बढ़ने से पहले मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूं कि ये एक एजुकेशनल वीडियो है, इसका कोई भी बाय या सेल रिकमेंडेशन से कोई लेना देना नहीं है। मैं यहां पर कोई किसी भी तरह की रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूं, ना बाय करने की ना सेल करने की। मैं यहां पर समझा रहा हूं आपको कि किस तरीके से हम बिजनेस एनालिसिस करके, फंडामेंटल एनालिसिस जिसको फाइनेंशियल एनालिसिस कहते हैं वो करके, एंड साथ में टेक्निकल एनालिसिस करके हम स्टॉक मार्केट में अच्छे से इन्वेस्ट करके एक अच्छे पैसे कमा सकते हैं, जिससे हमारा रिस्क भी कम होता है और हमारी इनकम भी ज्यादा होती है। तो आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए सबसे पहले एक बार बिजनेस ही देख लेते हैं। तो कंपनी की एक बार वेबसाइट पर जाते हैं। कंपनी की वेबसाइट अपनी ये है महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस, जिसको महिंद्रा फाइनेंस कहते हैं। तो ये काफी बिजनेस में है जो एनबीएफसी के बिजनेसेस होते हैं, जैसे लोन बिजनेस में है तो लोन बिजनेस में ट्रैक्टर लोन्स भी देते हैं, यूटिलिटी व्हीकल लोन भी है, कार लोन है, कमर्शियल व्हीकल लोन्स, प्री ओन्ड कार लोन्स एंड थ्री व्हीलर लोन, टू व्हीलर लोन, होम लोन एंड पर्सनल लोन। तो ऐसा नहीं है कि ये लोग होम लोन नहीं देते या पर्सनल लोन नहीं देते, ये सभी तरह के लोन की कैटेगरी में है। सो ये कि फुल फ्लेज्ड एनबीएफसी है। एसएमई लोन्स में फिर एक थोड़ा सा ऊपर लेवल पहुंच जाता है जिसको कॉर्पोरेट लोन कह देते हैं हम लोग, छोटे कॉर्पोरेट साइज के लोन जिसको कहते हैं, या फिर और इसके साथ में ये एक इंश्योरेंस बिजनेस में है। इंश्योरेंस में डायरेक्ट ये इंश्योरेंस कंपनी नहीं है, लेकिन इंश्योरेंस में जैसे जनरल इंश्योरेंस के हम ऊपर क्लिक करते हैं तो यहां पर आगे हमें डिटेल लिखी जाएगी कि यहां पर हेल्थ इंश्योरेंस विल प्रोटेक्ट यू। तो ये सारी डिटेल यहां पर लिखी हुई है, लेकिन ये महिंद्रा इंश्योरेंस ब्रोकर्स हैं, तो इनका अपना इंश्योरेंस नहीं है। ये जैसे पॉलिसी बाजार है उस तरीके से काम करते हैं। तो यहां पर अगर हम बाकी पे भी क्लिक करेंगे तो इसी तरह की इंफॉर्मेशन आएगी। पे बीमा तो यहां पर भी लिखा होगा कि यहां पर हम पे कर सकते हैं, और पे करने के लिए सपोज हम हेल्थ इंश्योरेंस पर वापस से क्लिक करते हैं, फिर आगे लिखा हुआ आएगा कहीं पर कि हम वापस से इंश्योरेंस ब्रोकर हैं, बाय महिंद्रा इंश्योरेंस ब्रोकर अगेन। तो ये एक बिजनेस है, उसके साथ में इन्वेस्ट में हम एफडी कर सकते हैं ऑफकोर्स, लेकिन साथ में एक अच्छी बात यहां पर है कि यहां पर म्यूचुअल फंड भी मुझे कहीं पर लिखा हुआ आया था, देखा था मैंने कि अगर इन्वेस्टमेंट के ऊपर जाते हैं तो शायद कहीं ना कहीं म्यूचुअल फंड्स भी हैं, और वो म्यूचुअल फंड एक्चुअल में महिंद्रा मनु लाइफ के नाम से है। महिंद्रा मनु लाइफ में यहां पर ईएलएसएस है, और इस चीज को चेक करने के लिए महिंद्रा के म्यूचुअल फंड्स किस नंबर पर है मैं आगे गया। आगे जाकर मैंने एक बार म्यूचुअल फंड्स india.com पर गया और वहां पर महिंद्रा एंड महिंद्रा को सर्च किया, तो यहां पर महिंद्रा मनु लाइफ म्यूचुअल फंड्स निकलकर आया, और इनकी 16 स्कीम्स हैं। मार्च 2021 में जो एयूएम है वो 5271 करोड़ है, जो कि पिछले बार से थोड़ा सा ग्रो किया है। तो यहां पर अगर आप देखोगे तो लास्ट ईयर लास्ट क्वार्टर में एक्चुअली 5058 करोड़ था, अभी इंक्रीज होकर 5271 करोड़ हो गया, 213 करोड़ का यहां पर नेट प्रॉफिट इंक्रीमेंट यहां पर है। एक्चुअली नेट प्रॉफिट देखने की बहुत आदत हो गई है, तो इसलिए यहां पर एयूएम में इंक्रीमेंट है यहां पर। तो म्यूचुअल फंड बिजनेस विल कीप ऑन ग्रोइंग, और ब्रोकर्स इंश्योरेंस में हैं, सब तरह के लोन्स हैं, तो ये ग्रोइंग बिजनेस है। एक्चुअल में सभी के लिए ग्रोइंग बिजनेस है, सभी के लिए जितने भी एनबीएफसी कंपनीज हैं, और यहां पर अगर मैनेजमेंट अच्छी हो तो वहां पर एक तरह से चेरी ऑन केक का काम करती है। और अगर हम मैनेजमेंट की बात करें तो प्रमोटर कौन है, महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड इसके प्रमोटर्स हैं, जिन्होंने सितंबर क्वार्टर में यहां पर अपनी होल्डिंग बढ़ाई है 1% से। क्यों? क्योंकि मार्केट में शेयर प्राइस नीचे गिर गए थे, मैनेजमेंट को अपनी कंपनी के ऊपर विश्वास है, तो यहां पर विश्वास पूरा पूरा दिखता है कि कंपनी ने अपनी शेयर होल्डिंग बढ़ा दी है। यहां पर एफआईआई का थोड़ा सा हिस्सेदारी कम हुई है, लेकिन उतनी ही यहां पर डीआईआई की हिस्सेदारी ज्यादा भी हो गई है, वापस से रिवाइव कर लिया पब्लिक के पास। थोड़ी सी पहले यहां पर ज्यादा हुई थी जून में, लेकिन सितंबर में और ज्यादा हुई थी, उसके बाद में फिर से कम हो गई है, यानी कि पब्लिक से इंस्टीट्यूशंस ने यहां पर माल परचेज कर लिया है, और पब्लिक में भी 10.62% में से यहां पर एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस के पास 2% है, एंड अदर्स को तो छोड़ देते हैं, अदर्स में कुछ नहीं है। तो ये सारा स्ट्रक्चर स्ट्रांग है। उसके बाद में अगर कंपनी की पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड को देखें, वेदर कंपनी डू नो हाउ टू परफॉर्म और नॉट, देन प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में जाते हैं। रेवेन्यू यहां पर 1500 करोड़, 2000, 2900, 4000, 5000, 6, 6.5, 7, 7.9, 10, 11 and 12 consistent performance है last 10 years में। ये चीज fascinate करती है कि management को यहाँ पर grow करना आता है या नहीं आता है। सारी बातें हवा में ही है, ऐसा नहीं है, हवा में नहीं है, यहाँ पर लगातार grow किया है, और सिर्फ revenue grow नहीं किया, यहाँ पर net profit में भी growth है, consistent growth है। मार्च 2019 तक
फ्रॉम 356 करोड़ के नेट प्रॉफिट से इंक्रीज होते होते ये 1827 करोड़ के नेट प्रॉफिट तक गए हैं। और जितना भी ये मार पड़ी है ना, हम सबको पता है ये सारे की सारी मार हमारी पैंडेमिक में पड़ी है। जितने भी यहां पर प्रोविजंस इंक्रीज होकर आने थे, जितने बैड डेट आने थे, सारे सारे ये पिछले एक साल में हुए हैं। चाहे वो हमारा जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया था मॉरेटोरियम को लेकर, या फिर आरबीआई का डिसीजन आया था, कुछ भी डिसीजंस हैं, जितने भी इंपैक्ट हैं वो सारे के सारे इस मार्च क्वार्टर में आ चुके हैं, ईयर एंड में आ चुके हैं। आगे चल के सिचुएशन यहां से इंप्रूव होती हुई नजर आती है। और यहां से एक चीज नजर भी आती है कि जो मार्च 2021 जो लेटेस्ट क्वार्टर है उसमें अगर आप रेवेन्यू देखोगे तो लास्ट 12 क्वार्टर में हायर साइड पर है, और उसके बाद में नेट प्रॉफिट भी निकल कर आया है, क्योंकि उससे पहले ही क्वार्टर में इन्होंने जितने प्रोविजंस कर लिए थे दिसंबर क्वार्टर में, इन्होंने पहले ही निपटा दिया था। इन्होंने ऐसा नहीं किया कि अभी तो क्वार्टरली रिजल्ट्स हैं, आगे चल के देखेंगे जब ईयर एंड के रिजल्ट्स आएंगे। नहीं, ये एक थोड़ी सी अच्छी बात रहती है कि इनिशियल स्टेज पर ही इन सब चीजों को कंसीडर कर लिया जाए। और कितने कितने डिफरेंसेस हैं, कितने कितने प्रोविजंस एक्स्ट्रा बने हैं, उन सब चीजों को अगर आपने डिटेल में पढ़ना है तो जो क्वार्टरली रिजल्ट्स हैं उनमें जो नोट्स हैं उन नोट्स को अगर आप पढ़ लोगे, रिजल्ट्स कहां से मिलेंगे क्वार्टरली, तो क्वार्टरली रिजल्ट सारे के सारे यहीं पर अवेलेबल होते हैं। जैसे आप लेटेस्ट क्वार्टर के रिजल्ट्स देखोगे, यहां क्लिक करोगे आपको पूरे रिजल्ट्स मिल जाएंगे। इसमें डिटेल में जाके नोट्स सारे के सारे नोट्स पढ़ोगे आपको पता चल जाएगा क्या रीजंस थे, क्या स्टेटमेंट थी, आरबीआई का क्या कहना था और सुप्रीम कोर्ट का क्या कहना था, यहां सब कुछ मिल जाएगा। तो इसको पढ़ने की कोशिश करना, इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम और उसका बहुत ज्यादा यूज नहीं है, क्योंकि जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उसके हिसाब से उन्होंने कर लिया तो ठीक है। तो यहां पर फाइनेंशियल्स भी अच्छे हैं, क्वार्टरली रिजल्ट्स में इंप्रूवमेंट नजर आ गई है, जितने बनने थे प्रोविजंस बन चुके हैं, यहां पर मैनेजमेंट अच्छी है, मैनेजमेंट का ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है, और मैनेजमेंट ने यहां पर 1% से अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई भी है जो कंपनी में कॉन्फिडेंस दिखाती है। ग्रोइंग बिजनेस है, पर कैपिटल इनकम जैसे जैसे बढ़ता रहेगा, ये सारे लोन इंश्योरेंस और म्यूचुअल फंड इनकम का बिजनेस बढ़ता रहेगा। एंड मोर ओवर यहां पर अब हम टेक्निकल चार्ट पर पहुंचते हैं। टेक्निकल चार्ट में जो सबसे पहली बात है, देखो जो लाइफ टाइम हाई कंपनी ने बनाया था उसको बनाए हुए टाइम हो गया, और वो कितना टाइम हो गया, वो बना था यहां पर अप्रैल 2018 में, और अप्रैल 2018 में जो हाई बना था लाइफ टाइम हाई दैट वॉज 326, और करंट प्राइस से लेकर अगर वहां तक का हम एक बार पोटेंशियल गेन देख लें कि अगर वहां तक पहुंच जाता है तो कितना है, ये 104% है, डबल होता है यहां से पैसा। और ये डबल हवा में नहीं होता, ये बिजनेस के बेस पर होता है, ये अच्छे से होता है, सोच समझ के होता है। अब बात ये आती है कि इतना गया क्यों था, अगर वहां तक जाना था, देखो अगर इन सब चीजों में पढ़ोगे ना तो फिर तो देखते रह जाओगे, ऊपर गया तो क्यों गया, नीचे गया तो क्यों गया। बिजनेस को समझो, मार्केट की मूवमेंट को समझो, और मार्केट की मूवमेंट को समझ के जब चीजें सस्ती हो जाए ना तब लो, हवा में चलते हुए को अगर लोगे ऊपर से ऊपर की तरफ पकड़ोगे तो फिर नुकसान होने के अलावा और कुछ नहीं होगा, क्योंकि ऊपर लेकर जब नीचे फंसते हो तो फिर यह होता है कि भाई ये टूटा क्यों है, और जब नीचे टूट के सस्ता मिल जाता है तो फिर ये सोचते हैं कि ये टूटा क्यों था, तो अभी और भी टूट सकता है, पर क्यों जाएगा। बिजनेस ग्रोइंग है, यहां पर पास्ट परफॉर्मेंस देखने की जरूरत है। अगर कंपनी के इस पास्ट परफॉर्मेंस को हम नहीं समझ सकते, जहां पर नेट प्रॉफिट 356 करोड़ से इंक्रीज होते होते सिर्फ 9 इयर्स में 1800 करोड़ हो गया, अगर यह चीज समझ नहीं आती तो फिर बाकी चीजें समझना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। और रेवेन्यू जब यहां पर 1500 करोड़ से इंक्रीज होते होते यहां पर हाईएस्ट एवर रेवेन्यू है, मींस तो यहां पर यह चीज भी तो समझने में आनी चाहिए। और बैलेंस शीट में एक चीज बड़ी अच्छी सी इंपॉर्टेंट होती है कि जो अपना पैसा है, अपना पैसा देखो ना लगातार किस तरीके से बढ़ रहा है। जो 1658 करोड़ का अपना पैसा था वो बढ़ते हुए 15,000 करोड़ हो गया, ऑलमोस्ट 9 टाइम्स का यहां पर ग्रोथ है। इससे पता चलता है कि कंपनी को ग्रो करना आता है। और यहां पर 3 साल भी निकल गए हैं, मई 2018 में इसने हाई बनाया था, नाउ इट इज मई 2021, 3 इयर्स का कंसोलिडेशन एंड गिरावट, और करंट प्राइस से लेकर यहां तक 100% की ग्रोथ। 2 साल भी लगे तो 44% के आसपास की सीएजीआर निकल के आती है, 44 या 42 जितनी भी आती है, तो ये अमेजिंग है। 40% प्लस सीएजीआर है, 40% सीएजीआर को मैं कहता हूं कि वी कैन बिकम सुपर रिच, नोबडी कैन स्टॉप अस इफ वी कैन मेक 40% एवरी ईयर। यहां पर एक ये एक सिग्नल भी है कि यहां पर बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, जिसको प्राइस एक्शन कहते हैं। सेम प्राइस पर यहां पर जो रेसिस्टेंस था वहीं पर इसने दोबारा से यहां पर रेसिस्टेंस लिया था, घूम के ऊपर क्रॉस किया, उसके बाद ऊपर गया, फिर सेम सपोर्ट ली, और सेम सपोर्ट लेकर यहां से फिर इसने आज चलना भी शुरू किया है। यहां पर भी चलना शुरू किया था, यहां पर भी चलना शुरू किया है, तो चलना शुरू करके ऊपर से नीचे आया और फिर से चलना शुरू किया। ये इस चीज को दिखाता है कि यहां पर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो यहां पर बेसिकली जो टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें, सो देयर
थ्री टेक्निकल टारगेट्स। नंबर वन तो मैं सबसे ज्यादा जो लाइफ टाइम हाई है उसी की बात करूंगा, दैट इज 104%। सेकंड है करंट प्राइस से लेकर जो इमीडिएट हाइक था यहां तक, सो दिस इज 40%, एंड दिस इज ऑल्सो अमेजिंग व्हेन क्वार्टरली रिजल्ट सेज कि यहां पर नेट प्रॉफिट आ गया है, प्रॉब्लम्स खत्म हो रही हैं लगातार। एंड थर्ड वन इज जो यहां पर पैंडेमिक से पहले का रिसेंट हाई था, अगर वो तो यहां पर ये तीन टारगेट हैं, तीनों ही अचीवेबल हैं और मुझे नहीं लगता कि 40% से कम की CAGR ये किसी भी एंगल से देगा अगर करंट प्राइस पर यहां पर परचेज होता है। लेकिन फिर मैं कहूंगा मेरे कहने से परचेज नहीं करना है, मेरे कहने से यहां पर समझना है कि जब चीजें सस्ती हो ना तब परचेज की जाती है। देखो मेरे पापा एक चीज कहते थे, बेटा मंदी में मंदी नजर आती है और तेजी में तेजी नजर आती है, जो इसका उल्टा देखना शुरू कर देना बिजनेस में वही जीतेगा, बाकी तो सिर्फ उसमें बह जाएंगे और बहने में कुछ नहीं रखा। समझदारी से काम करो यार, और समझदारी मैं तो यही कहता हूं कि बाई कास्ट हम कुछ भी हो लेकिन बिजनेस में बनिया बन जाओ, क्योंकि बनिया ही बिजनेस में सबसे मोटे पैसे कमाता है। और यहां पर बनिए से मतलब क्या है, बनिए के काम करने के तरीके से मतलब है बिजनेस में, बाकी कुछ मतलब नहीं है। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, और मजे करना नहीं भूलना, अगर नहीं भूलूंगा तो भी मजे करना है। थैंक यू सो मच।